यूट्यूब पर हमारे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, यह है अभिलाष। इन्होंने पूछा है कि साइट पर मेन्यू अपलोड करने के बाद अगर उसमें कुछ एडिट करना हो तो उसे कैसे करेंगे। आपने अगर अपने अकाउंट से ये गूगल साइट बनाई हो और फिर उसका नाम जो है आपने रजिस्टर किया हो, यानी गूगल में आपने अपना नाम चुनकर उसे पब्लिश किया हो, तो आप जब sites.google.com वाली लिंक खोलोगे तो इस तरह से आपको ये गूगल साइट्स वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आपको ये जो थंबनेल्स दिखाई देते हैं उसमें आपका जो भी साइट आपने बनाई होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको एडिट मोड में दिखाई देता है सीधा, यानी कि साइट डायरेक्टली एडिट मोड में चली जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने इसी टेम्पलेट का इस्तेमाल किया हो तो इसके अंदर चार पेजेस हैं और इसमें जो लास्ट वाला पेज है मेन्यू का, मेन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको मेन्यू दिखाई देते हैं। तो ये जो है सारा का सारा एडिटेबल है, एडिट कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हो, रोज डेली बेसिस पे एडिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे इमेज को एडिट करना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, दो बार क्लिक करने पर यहाँ पर आपको ये जो अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ये क्रॉप है, किसी दूसरी लिंक पर अवेलेबल इमेज को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग इमेज को डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन है, और इमेज को आप ऑन द साइट रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपलोड करके दूसरी इमेज डाल सकते हो। और टेक्स्ट एडिट करने के लिए ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है आपको सिर्फ। यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं अलग अलग टेक्स्ट के, जहाँ पर एपेटाइजर लिखा है ये अलग बॉक्स है, इसमें आप क्लिक कीजिए और उसके बाद एरो बटन से आप इसको पीछे ले जाइए। एडिट करते समय एक बात का ख्याल रखिए कि कीबोर्ड पर जो बैक स्पेस वाली की होती है बड़ी साइज़ की, बैक स्पेस वाली की को इस्तेमाल करने आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा और वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप। तो ये उसके अंदर एक शायद बग है। तो बैक स्पेस के बजाय आप कीबोर्ड की जो एरो कीज़ हैं वो एरो कीज से यहाँ पे आप बैक जा सकते हैं। बैक जाने के लिए जिस पोजीशन पे आपको जाना है वहाँ जाकर आप डिलीट प्रेस कीजिए तो ये पहले वाले अक्षर मिट जाएंगे और फिर यहाँ पे आप जो है जो भी आपका नया आइटम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एक दूसरी बात है कि कभी कभी होता यह है कि आपने जब एडिट किया तो उसके बाद अगर आप पब्लिश प्रेस करोगे तो आमतौर पर होना ये चाहिए कि पब्लिश प्रेस करने पर देखें यहाँ क्या होता है। मैं पब्लिश प्रेस करता हूँ तो ये आपको दोबारा इसी डायलॉग में ले जाता है पब्लिश द वेब, यानी कि आपने ऑलरेडी एक वेब एड्रेस चूज़ किया है लेकिन ये दोबारा आपको पूछता है कि आपको इसको पब्लिश करना है क्या। अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ एक काम करना, इसको कैंसिल करना और आपकी जो वेबसाइट है यानी गूगल में आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका जो URL है, यानी आपने जो भी नाम चुना हो, जैसे यहाँ पे sites.google.com/view/ और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए और इसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट जो है ये डिस्प्ले मोड पे आ गई। अब जब हम डिस्प्ले मोड पे जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आपको एडिट दिस पेज करके एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन पे एडिट नहीं कर सकते, आपकी वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपको इसे कंप्यूटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो डिस्प्ले मोड पे वेबसाइट को ओपन कीजिए और फिर यहाँ से ये एडिट वाला जो इमेज है इस पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद हम जाएंगे मेन्यू में और फिर यहाँ पे मेन्यू में हमको जो भी चेंजेस करने हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैकस्पेस की का इस्तेमाल मत कीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं न्यू आइटम लिखूँगा। अब हम इसको पब्लिश करेंगे, देखें क्या होता है पब्लिश करते समय। ये मैंने पब्लिश पे क्लिक किया तो
सक्सेसफुल पब्लिश इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको ये ड्राफ्ट दिखाई देता है और उसके बाद में ये जो आपको दोनों यहाँ पे दिखाई देगा, आपने पहले वाली आपकी वेबसाइट कैसी थी और ये करंट आपने जो चेंजेस किए वे यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे पब्लिश पर, पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एडिट किया हो ये इस तरह से पब्लिश होगा और यहाँ पे नीचे आपको एक मैसेज दिखाई देता है, योर साइट हैज़ बीन पब्लिश्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हो, चाहो जितनी बार आप इसको एडिट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मेन्यू के लिए, रेस्टोरेंट के मेन्यू के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है तो सिंगल पेज का भी वेबसाइट आपके लिए काफ़ी रहेगा, मतलब आप इस वेबसाइट पर एक ही पेज रख सकते हो चाहो तो। ये जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं जैसे ये शेफ़ वाला है, इसको हटाना हो तो आप यहाँ पे जाइए, पेजेस पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में जहाँ पे पेजेस लिखा है, और ये रहा शेफ़ वाला पेज। और अगर हमको ये पेज नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इस पेज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट। तो इस तरह से जो अननेसेसरी पेजेस हैं वे आप डिलीट कर सकते हो, जितना ज़रूरी उतना ही रखिए। और एडिट तो आप बिल्कुल डेली बेसिस पे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आशा है आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला हो। तो इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल आपको, मुझे जितनी भी जानकारी है आपको मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।